हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो क्या हाल है आप लोगों का। तो गाइस, आज के इस वाली वीडियो में आप सभी लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप प्लीज़ इनेबल स्टोरेज एक्सेस परमिशन इन द सेटिंग। इन जो प्रॉब्लम आती है ना BGMI में, इसे कैसे सॉल्व करना है वो मैं आज लोगों को आप सभी लोगों को बताऊंगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर BGMI 2.0 अपडेट में, जैसे कि मेरे फाइल मैनेजर में, मैंने दोनों को यहाँ पर इंस्टॉल करके रखा हुआ है। सॉरी, मैंने यहाँ पर इन दोनों को जो है रखा हुआ है, ठीक है। तो शेयर कर रखा हुआ है, तो आप भी यहाँ पर शेयर करके रख सकते हो। तो अगर आप यहाँ पर कहीं पर भी शेयर कर सकते हो तो रख सकते हो डाटा फाइल और मेरा OBB फाइल और एप्लीकेशन रखकर। तो अब हम बताएंगे कि कैसे जो है आप इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो, ये जो प्रॉब्लम आती है ना। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ पर जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि आप यहाँ पर सॉलिड फाइल एक्सप्लोरर करके सर्च कर लोगे तो सबसे पहले आ जाएगा। और जैसे ही आ जाएगा सॉलिड एक्सप्लोरर फाइल मैनेजर करके आ रहा है, तो आपको सीधा क्या करना है कि इसे इंस्टॉल कर लेना है। जैसे इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको बैक चले जाना है और इस सीधा जाके आपको जो इसे ओपन कर लेना है बस। तो जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ, तो जैसे कि ये पर 2 नंबर पर आ रहा है, तो जैसे आ जाएगा तो इसको आप नीचे स्किप पे कर सकते हो। उसके बाद आपको एग्री पे क्लिक करके नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपको परमिशन देना है ग्रांट करके, तो उसके बाद आपको इसे भी परमिशन दे देना है। तो अभी आपको क्या करना है कि आपको बैक चले जाना है, एंड्रॉयड में जाना है, OBB में जाना है और इसको भी यहाँ पर परमिशन दे देना है, ठीक है। तो इसी फोल्डर को आपको यूज़ करना है, अलाउ कर देना है, बैक चले जाना है, डाटा आपके फोल्डर में भी अलाउ कर देना है, बस। तो आपका काम हो चुका है। तो अभी हमारा जो मेन चीज़ है कि कैसे हम BGMI को एकदम ईजीली इंस्टॉल कर सकते हैं हमारे डिवाइस में, यानी कोई भी प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि प्लीज़ इन वाले से करके प्रॉब्लम होती ना नहीं हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस फाइल को ओपन करना है। यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर OBB है, तो ये आपको चेक करने लगे कि ये जो लास्ट में जो OBB है ना, इसके बाद में कोई है या नहीं, तो वो चेक करना है, ठीक है। तो OBB आपको ध्यान से चेक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि com.pubg डायमेबल करके आ रहा है ना, तो आपको सीधा इसे सीधा मूव करना है, ठीक है। प्रेस होल्ड करके मूव या तो कॉपी कर सकते हो। तो जैसे कि गाइस यहाँ पर मैं कॉपी कर रहा हूँ, सॉरी मूव कर रहा हूँ, तो अभी मैं क्या करूँगा कि एंड्रॉयड में जाऊँगा और यहाँ पर सीधा मैं OBB में जाके इस जो फाइल है ना, फाइल को मैं सीधा पेस्ट कर दूँगा, OBB फाइल को पेस्ट कर दूँगा। जैसे यहाँ पर मैं इस फोल्डर को पेस्ट कर दूँगा OBB में जाके, तो हमारा जो काम हो चुकी है। तो अभी हमको क्या करना है कि आपको बैक चले जाना है। बैक चले जाने के बाद BGMI मेरा जो हमने जो जहाँ पर शेयर किया था वहाँ पर जाना है, और वहाँ पर जाके हमको क्या करना है कि जो BGMI का जो एप्लीकेशन है उसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि पहले आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना है, ठीक है। पहले आपको जो फाइल है वो आपको OBB में डालना है, उसके बाद ही आपको जो ये डाउनलोड यानी इंस्टॉल करना है BGMI, ठीक है। और इसके बाद आपको BGMI को ओपन करना यानी इंस्टॉल करना है। और जैसे इंस्टॉल कर लोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर डन पे क्लिक करना है, ओपन नहीं करना है बस, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको BGMI ऊपर दिख रहा है, उसके बाद इसे आपको होल्ड करके ऐप इन्फॉर्मेशन में जाना है, ठीक है। इसे भी जा सकते हो, अगर सेटिंग में जाके ऐप मैनेजर में भी जा सकते हो, वहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर परमिशन में जाके आपको सब जो यहाँ पर परमिशन दे देना है, ठीक है। 2 परमिशन ही मांगता है, स्टोरेज परमिशन, माइक्रोफोन परमिशन दे देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टोरेज इन्फॉर्मेशन जाओगे तो अभी 998 MB हो चुकी है, यानी कि आपका जो ये BGMI जो वर्क कर रहा है। तो इसे देखने कंफर्म करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको इंटरनल स्टोर में जाना है, एंड्रॉयड में जाना है और OBB में जाना है। जिस OBB में जाओगे तो अभी देखते तो आपका लोगो दिख रहा है, ठीक है। अगर BGMI का लोगो दिख रहा है ना गाइस, तो समझ लेना कि आपका जो काम है पूरा हो चुकी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक। बस आपको लोगो दिखना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पर BGMI को जैसे ओपन करता हूँ, तो अभी देख सकते हो टाइम 8:22 है, तो अभी मैं लाइव आप सब लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ पर टाइम भी देख सकते हो। तो अभी देख सकते हो हमारा जो BGMI यहाँ पर ओपन हो चुकी है। तो इसी तरह से कह देखते हैं इजीली जो आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं होगा इस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।